जय हिंद दोस्तों। रशिया के राष्ट्रपति पुतिन 2 दिन पहले भारत आए थे एक ब्रीफ विजिट के लिए। ये विजिट ब्रीफ थी बट ये विजिट बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट थी। इस विजिट के दौरान रशिया और इंडिया के बीच 28 अलग अलग एग्रीमेंट साइन किए गए बट एक एग्रीमेंट उस दिन साइन नहीं किया गया। उम्मीद थी कि उस दिन वो भी एग्रीमेंट साइन किया जाएगा बट वो अभी के लिए नहीं किया गया और यही उम्मीद है कि इन नियर फ्यूचर वो साइन कर दिया जाएगा। आज के सेशन में हम समझेंगे उसी एग्रीमेंट के बारे में कि वो एग्रीमेंट इतना सिग्निफिकेंट क्यों है, क्या है उस एग्रीमेंट में और वो भारत के लिए गेम चेंजर कैसे हो सकता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं उस एग्रीमेंट के बारे में जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। वो एग्रीमेंट कौन सा है? रिलॉस एग्रीमेंट, रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट। ये किसके लिए बेनिफिशियल होगा? हमारी मिलिट्री के लिए, खास करके हमारी नेवी के लिए। आपको पता है कि जो हमारे बड़े बड़े समुद्री जहाज होते हैं, नेवी के एयरक्राफ्ट कैरियर्स होते हैं, ये सिर्फ ये तो है नहीं है कि इंडियन सी बाउंड्री के पास तक ही सीमित रहते हैं, ओशन में दूर दूर तक इनको जाना पड़ता है, अलग अलग पर्पस के लिए जाना पड़ता है। अब इतनी बड़ी मशीनरी है, इतना बड़ा शिप है, इसको रिफ्यूलिंग की भी जरूरत पड़ेगी, उसके अलावा कहीं कोई टेक्निकल फॉल्ट आ जाता है उसको भी देखना पड़ेगा, और भी चीज़ों की जरूरत पड़ सकती है। तो अब हम अगर कहीं दूर जा रहे हैं इंडिया से, तो उसके बाद अगर हमें वहाँ पे रिफ्यूलिंग की जरूरत पड़ रही है, तो अब आप सोचो कि वापस हम आ रहे हैं रिफ्यूलिंग करवाने, या स्पेशल यहाँ से एक टैंकर जा रहा है उसकी रिफ्यूलिंग करने, या कोई टेक्निकल फॉल्ट आ जाता है और वो वहीं पे फंस जाता है, तो आप समझ सकते हो कई तरह की दिक्कतें आ सकती हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारा टाइम एनर्जी एफिशिएंटली यूटिलाइज हो और जो भी हमारे रिसोर्सेज हैं वो एफिशिएंटली यूटिलाइज हो, तो आपको नहीं लगता कि ये चीज़ बेनिफिशियल होगी कि हम किसी कंट्री के साथ एग्रीमेंट करें कि ठीक है जहां उनके बेसिस हैं, जहां उनके पोर्ट्स हैं, हम वहां की फैसिलिटीज़ यूटिलाइज कर सकें, अपनी रिफ्यूलिंग वहीं से करा सकें, कोई टेक्निकल फॉल्ट होता है वहीं से असिस्टेंस ले सकें। इसके अलावा और भी किसी भी तरह की लॉजिस्टिक्स से रिलेटेड हेल्प, कहीं मिलिट्री बेस से हम कोई हेल्प लेना चाहते हैं, वो सब चीज़ें हम ले सकें। बट ये चीज़ें तभी हो सकती हैं अगर दो कंट्रीज के बीच में एक स्पेशल कोई एग्रीमेंट साइन किया गया होगा। अदरवाइज मान लो हमारा कोई शिप गया हुआ है, उसको रिफ्यूलिंग की जरूरत है, किसी टेक्निकल असिस्टेंस की जरूरत है, तो बहुत ज़्यादा पेपर वर्क इन्वॉल्व होता है, बहुत सारी फॉर्मेलिटीज इन्वॉल्व होती हैं। अगर हम चाहते हैं ये चीज़ें स्मूथ हो जाएं, एक सिस्टम सेट हो जाए जिसके थ्रू हम ये सब कर सकें, तो उसके लिए एग्रीमेंट की जरूरत है। और यही वो एग्रीमेंट है इंडिया और रशिया के बीच में जो कि दोनों कंट्रीज को म्यूचुअली बेनिफिट करेगा। इसीलिए यहाँ पे आप देखो टर्म रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का क्या मतलब होता है? जैसा इधर वैसा ही उधर, मतलब जो फैसिलिटीज हमें मिलेंगी, जो बेनिफिट हमें मिलेंगे रशिया से, वही रशिया को इंडिया से भी मिलेंगे। मतलब जो रशियन नेवी की जो शिप्स होंगी वो भी इंडियन पोर्ट्स पे, इंडियन मिलिट्री बेस पे आके वो बेनिफिट ले सकती हैं। तो दोनों के बीच में ये लॉजिस्टिक्स से रिलेटेड एग्रीमेंट है। अब हम एक मैप के थ्रू भी इसका सिग्निफिकेंस इन डिटेल समझ लेते हैं। यहां आप देख रहे हो इंडिया है। अब रशिया का आपको पता है कि लैंड मास बहुत ज्यादा है, बहुत लंबी चौड़ी बाउंड्री है जो इसकी सी के साथ लगती है। यहां आप देख रहे हो रशिया। अब यहां पे क्या है? ये है आर्कटिक ओशन। अब आर्कटिक ओशन में आपको पता है काफी टाइम से इस तरह की न्यूज आ रही है कि वहां पे बर्फ धीरे धीरे पिघल रही है, और ये भी कहा जा रहा है कि आर्कटिक जो रीजन है वो नेचुरल रिसोर्सेज का बहुत बड़ा भंडार है। तो बहुत कंट्रीज की, बड़ी बड़ी कंट्रीज की यहाँ पे आंख रहती है, आगे आगे यहाँ पे किस तरह से एक्सप्लोरेशन करनी है उस चीज़ों की स्ट्रेटेजी बनाई जाती है। चाइना की भी इस जगह पे काफ़ी आंख रहती है। तो इंडिया भी चाहता है कि मैं यहाँ पे अपनी प्रेजेंस आगे आगे बढ़ाऊँ। जो आर्कटिक काउंसिल है वहाँ पे इंडिया का एक ऑब्जर्वर का स्टेटस है। परमानेंट मेंबर्स वहां पे सिर्फ वही हो सकते हैं जिनकी बाउंड्री लगती है आर्कटिक रीजन के साथ, इंडिया की नहीं लगती। तो इंडिया परमानेंट मेंबर तो नहीं हो सकता बट ऑब्जर्वर कंट्री वहां पे जरूर है। सो आप देख सकते हो अगर हम चाहते हैं हमारी कोई शिप यहां से ट्रेवल कर रही है, अब आप देख रहे हो आर्कटिक तक अगर जाएगी तो डेफिनेटली रिफ्यूलिंग की भी जरूरत पड़ेगी और भी टेक्निकल असिस्टेंस की जरूरत पड़ सकती है। बट अगर हमारा वहां पे कोई मिलिट्री बेस ही नहीं होगा तो आप देख सकते हो कि कितना इनएफिशिएंट होगा हमारे लिए उस रीजन को एक्सप्लोर करना। और यही अगर रशिया के साथ हमारा ये एग्रीमेंट हो जाता है तो रशिया के जो यहाँ पे आप देख रहे हो जो भी मिलिट्री बेस होंगे वहां से हमें कितनी हेल्प मिल सकती है, कितनी असिस्टेंस मिल सकती है। और सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है, इसके अलावा भी जो भी पोर्ट्स होंगे रशिया के, मिलिट्री बेसिस होंगे वर्ल्ड के अलग अलग,
रीजन के अंदर, वहाँ वहाँ हमें टेक्निकल असिस्टेंस और बाकी सब लॉजिस्टिक असिस्टेंस मिलेगी। लेकिन इसका जो ज़्यादा बेनिफिट बताया जा रहा है, वो बताया जा रहा है कि आर्कटिक रीजन में हमें बहुत बेनिफिट इस चीज़ का होने वाला है। सो इस तरह से अब आप समझ सकते हो कि क्या इसका सिग्निफिकेंस है। अब कहानी ये आ जाती है कि क्या इंडिया का ऐसा एग्रीमेंट पहली बार होने जा रहा है? नहीं, इंडिया का ऐसा एग्रीमेंट और भी कुछ कंट्रीज के साथ ऑलरेडी हो चुका है। 2016 के अंदर इंडिया का पहला एग्रीमेंट हुआ था यूएसए के साथ, जिसका नाम है लिमोआ, जिसकी फुल फॉर्म है लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट। ये ईयर 2016 के अंदर साइन किया गया था। इससे पहले इंडिया काफी ज्यादा हेजिटेंट था इस तरह का एग्रीमेंट साइन करने के लिए, बट जब 2016 में यूएसए के साथ लिमोआ को साइन किया गया, उसके बाद से हमने रियलाइज किया कि ये एग्रीमेंट काफी बेनिफिशियल है। तो उसके बाद हम काफी कंफर्टेबल हो गए इस तरह के एग्रीमेंट साइन करने के लिए। सो फिर हमने मल्टीपल कंट्रीज के साथ साइन किया। किन किन कंट्रीज के साथ साइन किया? एक तो जो क्वाड ग्रुप है उसमें जो भी कंट्रीज हैं, यूएसए है, इंडिया खुद है, उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के साथ हम साइन कर चुके हैं, उसके अलावा जापान के साथ हम साइन कर चुके हैं। तो ये चारों कंट्रीज, इंडिया, जापान, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, क्वाड का ग्रुप है, तो इन सब के साथ हमारा साइन हो गया है। इसके अलावा हमारा ये एग्रीमेंट साउथ कोरिया के साथ साइन हो चुका है। इस तरह का सिमिलर एग्रीमेंट हम सिंगापुर के साथ भी साइन कर चुके हैं। इसके अलावा फ्रांस के साथ भी हमने साइन कर दिया है। टोटल 6 कंट्रीज हैं जिनके साथ हम ऑलरेडी साइन कर चुके हैं। अब आप देख सकते हो इस तरह के एग्रीमेंट का सिग्निफिकेंस कि 2016 में हमने फर्स्ट टाइम यूएसए के साथ साइन किया और उसके बाद तेजी से हमने 5 और कंट्रीज के साथ भी साइन कर लिया। यूके और वियतनाम के साथ ऑलरेडी हमारी बातचीत चल रही है इस तरह के एग्रीमेंट के लिए, रशिया के साथ भी चल रही है। अब आप समझ सकते हो इसका सिग्निफिकेंस। और अगर रशिया के साथ ये साइन हो जाता है तो इंडिया इकलौता कंट्री होगा जिसका यूएसए और रशिया दोनों के साथ इस तरह का एग्रीमेंट साइन हुआ हुआ है। अब एक एग्जांपल के साथ हम स्ट्रेटेजिक इसकी इंपॉर्टेंस भी समझ लेते हैं। यहां आप देख रहे हो ये है अफ्रीका और यहां पे आप ये दो आइलैंड्स देख रहे हो। ये है इधर वाला राइट वाला मॉरिशियस और ये है रीयूनियन आइलैंड जो कि फ्रांस के अंडर है। अब क्योंकि फ्रांस के साथ हमारा ये एग्रीमेंट साइन हो रखा है तो यहाँ पे फ्रांस का मिलिट्री बेस है तो उसका हम बेनिफिट ले सकते हैं। जब हमारे शिप्स इंडिया से इस रीजन में जाएंगे तो आप देख सकते हो कि हम रीयूनियन आइलैंड पे फ्रांस के मिलिट्री बेस से लॉजिस्टिक असिस्टेंस और बाकी की जो हेल्प है वो ले सकते हैं। अब स्ट्रेटेजिकली किस तरह का बेनिफिट हो सकता है? यहाँ आप देख रहे हो जिबूती जो कंट्री है अफ्रीका की, जिबूती में चाइना ने 2017 के अंदर अपना मिलिट्री बेस बनाया था तो उसने यहाँ पे अपनी प्रेजेंस रखी है। अब इंडिया को अगर इस एग्रीमेंट के तहत यहाँ पे इनके मिलिट्री बेस का फायदा मिलेगा तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हो स्ट्रेटेजिकली इस एरिया को कंटेन करने के लिए इंडिया थोड़ा स्ट्रांग पोजीशन में आ रहा है। इसी तरह से जब आप देखोगे पूरे वर्ल्ड के अंदर अलग अलग लोकेशंस पे अलग अलग कंट्रीज के साथ हमारा इस तरह का एग्रीमेंट होगा तो स्ट्रेटेजिकली हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट होगा, हमारे लिए एफिशिएंट भी होगा, हम अपने रिसोर्सेज भी एफिशिएंटली यूटिलाइज कर सकते हैं, अपने फ्यूल को एफिशिएंटली यूटिलाइज कर सकते हैं, अपनी मैन पावर को एफिशिएंटली यूटिलाइज कर सकते हैं, बहुत मल्टीपल वे से ये हमारे लिए बेनिफिशियल होगा। सो फ्रेंड्स, आई होप इस एग्रीमेंट का आपको सिग्निफिकेंस अच्छे से समझ आ गया है। वी आर होपफुल कि नियर फ्यूचर में इंडिया और रशिया के बीच में सारी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करने के बाद ये एग्रीमेंट साइन कर दिया जाएगा तो डेफिनेटली हमारी कंट्री के लिए एक बहुत ही बेनिफिशियल चीज होने जा रही है। तो दोस्तों, जल्द मिलेंगे एक नए एनालिसिस के साथ। टिल देन कीप वर्किंग हार्ड, कीप ग्राइंडिंग योरसेल्फ एंड स्टे फिट एंड हेल्दी। जय हिंद।